के चंद्रपुर में इन दिनों एक बाघ के आतंक से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। रिहायशी इलाकों के आसपास बाघ को अक्सर घूमते हुए देखा जाता है, जिससे लोग दहशत में हैं। मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक के सामने अचानक से बाघ आ गया, जिसे देखकर युवक को दिल का दौरा पड़ गया और वही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह प्रवीण मराठे नाम का युवक अपनी कार से शहर के बाहरी परिसर में गया और मॉर्निंग वॉक करने लगा। वॉक से वापस लौटने के दौरान सड़क किनारे प्रवीण का सामना एक बाघ से हो गया। अपने सामने बाघ को देखकर प्रवीण मराठे के दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वही उसकी जान चली गई। मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों के मुताबिक सड़क किनारे एक युवक अधमरी हालत में पड़ा था, उसकी सांसें चल रही थी, तो उन्होंने 108 पर एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी, लेकिन एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। लोगों के मुताबिक इस परिसर में अक्सर एक बाघ को घूमते हुए देखा जाता है। आज भी कुछ लोगों को बाघ सड़क पार करते हुए नजर आया था। वन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने इस इलाके में बाघ के होने की पुष्टि जरूर की है। बता दें कि अभी 1 दिन पहले ही रात को शौच के लिए गए एक बुजुर्ग का भी बाघ से सामना हुआ था। 65 साल के बुजुर्ग अंधेरे में कुत्ता समझकर बाघ के पास से चले गए थे, हालांकि वो वहां से जान बचाकर भागने में सफल हो गए थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।